हेलो असलाम एवरीवन, हो कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं सदर फॉर शॉपिंग और मौसम काफ़ी ज़्यादा मज़े का हुआ हुआ है आजकल, क्योंकि मानसून है तो ऑलमोस्ट हर वक्त ही दिन के किसी ना किसी वक्त बारिश हो रही होती है। एंड दिस इज़ द फेमस चर्च इन सदर, जो कि सदर के मेन कैंट में है और इसके सामने GHQ है। आज हम बेसिकली जा रहे हैं, सबसे पहले हम जाएंगे आउटफिटर्स एंड एथनिक। सदर में जो एथनिक है उसके नीचे आउटफिटर्स हैं और ये आप देख सकते हैं चर्च। जो पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं उन्होंने चर्च ज़रूर देखा होगा। एंड दिस इज़ आई एम वेयरिंग ओरिजिन्स एंड ये कुर्ता है, ये लास्ट ईयर से का कुर्ता है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक्स। इसके जो ऑर्गेन्जा का पैनल है गले पे और नेक पे एंड देन इसके बॉटम पे। इसके अलावा आई एम कैरिंग लाइम लाइट का बैग एंड अभी हम रास्ते में ही हैं और ये है रावलपिंडी कॉलेज फॉर वुमेन। इसके बाहर पे काफ़ी उन्होंने कैलीग्राफी की हुई है एंड आर्ट वर्क किया हुआ है, पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट की हुई हैं। जितनी भी आपके मशहूर फेमस आपके जितने भी गुजर चुके हैं या अभी हैं फेमस आइडल्स और पर्सनालिटीज़, उन सब के पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं जो कि काफ़ी मज़े के लगते हैं। जब आप यहाँ से गुजर रहे होते हैं इनको देख के काफ़ी अच्छी एक फीलिंग सी आती है। एंड ये जो है सदर जाने वाली रोड, यहाँ पे इतने सिग्नल्स हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एंड सबसे पहले क्योंकि हमें भूख लगी थी, आई हैव टेकन सम फ्राइज फ्रॉम KFC एंड मैं आ गई हूँ अब आउटफिट पे सबसे पहले। और मुझे लेनी थी एक स्ट्रीट पैंट जिसकी मुझे ज़रूरत थी एंड दिस इज़ द पैंट जो कि मुझे पसंद आई थी, ऑनलाइन मैंने देखी थी एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी स्ट्रेट पैंट है क्योंकि आई डोंट वेयर टाइट पैंट्स, तो अभी मैंने पैंट्स पहनना शुरू की हैं सो दिस इज़ द वन आई विल पिक। एंड इनके पास अभी ऑफ हुआ हुआ था ज्वेलरी पे एंड जो मैंने पैंट्स ली हैं उन पर भी ऑफ था। इनके पास काफ़ी अच्छी ज्वेलरी होती है जिसमें रिंग्स, ये है आपका हेयर बैंड एंड दिस इज़ अनदर पिंक, बट इसके साइड पे स्ट्राइप्स थी। और अब मैं आ गई हूँ बच्चों की सेक्शन, जूनियर सेक्शन की तरफ, और इनके पास भी काफ़ी क्यूट पैंट्स थी और ये भी सेल पे थी, कुछ चीज़ें इनमें से सेल पे थी और कुछ चीज़ें विदाउट सेल थी। और काफ़ी मज़े के ये टॉप्स हैं फॉर गर्ल्स, ये भी आप देख सकते हैं कितना क्यूट है बेबी पिंक वाला। एंड आई वॉज़ लुकिंग फॉर समथिंग फॉर माई फ्रेंड्स डॉटर। इसके अलावा ये एक जंपसूट था जो कि बहुत ही क्यूट था, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं जंपसूट्स, ये आप देख सकते हैं कितना क्यूट है। इसके नीचे शर्ट छोटी सी पहना के एंड जो लास्ट मस्टर्ड देखा वो भी इतना टॉप था, मुझे तो इतने प्यारे लग रहे थे सब टॉप्स के, दिल कर सब ले लूँ। और मैं अब आ गई हूँ एथनिक जो कि बिल्कुल आउटफिटर्स के नीचे ही है क्योंकि इट्स अ सब ब्रांड ऑफ आउटफिटर्स। और ये उनके ईद राइवल्स हैं, ब्लैक जो था ये ऑर्गेन्जा पे बना, इसके ऊपर तिले की एम्ब्रॉयडरी हुई है एंड ये सिंपल लॉन का कुर्ता था, ये भी सिंपल लॉन का कुर्ता है जिसके ऊपर टसल्स लगाई हुई है उन्होंने, ये भी लॉन का कुर्ता है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है और मिरर वर्क हुआ हुआ है। काफ़ी पेल कलर्स के इनके पास आजकल कपड़े आए हुए हैं। और ये ऑरेंज लॉन का कुर्ता है जिसके ऊपर स्टार्च लगे हुए थे और ये आप देख सकते हैं आप शॉर्ट टॉप्स, क्योंकि आपको पता है कि मुझे शॉर्ट टॉप्स कितने पसंद हैं, ऑल्दो आई डोंट वेयर देम बट देखती ज़रूर हूँ। एंड अगर कोई मीडियम लेंथ का होता है देन आई बाय इट, जिस तरह अभी सामने देख सकते हैं ये एक मीडियम लेंथ का कुर्ता है और ये भी एक काफ़ी मज़े का पॉपी ऑरेंज कलर का था एंड दिस ब्लू इज़ आल्सो गुड। ये सब जो हैं ये लॉन पे बने हुए हैं, ओनली दिस वाज ऑन चिकन। एंड एक और लॉन का कुर्ता है जिसके ऊपर काम हुआ हुआ था एंड दिस इज़ अनदर लॉन कुर्ता, कॉटन लॉन कह सकते हैं आप, एंड दिस वॉज इन सेल, ये भी अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर काफ़ी इसके स्लीव ऑर्गेन्जा के थे और इसके ऊपर लेस लगी हुई थी और ये ऑर्गेन्जा का है फुल और इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, ये भी सेल में था, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये टू पीस था। इसके भी नेक लाइन पे उन्होंने टसल्स लगाई हुई थी और ये वाला भी ऑर्गेन्जा पे है और ये भी काफ़ी प्यारा कलर था और इसकी भी जो स्लीव थे उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, बॉटम पर एम्ब्रॉयडरी थी, ओवरऑल मोटिव्स बने हुए थे। एंड दिस इज़ ऑल्सो नाइस, ये भी काफ़ी हैवी था, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी बट इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा था आई गेस बिकॉज ऑफ द एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी थी, इसके स्लीव्स भी ऑर्गेन्जा के थे, उसके पर्ल्स लगे हुए थे, इसके अलावा नेक लाइन पे एक लेस सी लगी हुई थी
और ये एक लॉन का कुर्ता है विद दुपट्टा, मतलब टू पीस है ये, और इसके भी स्लीव्स पे लेस टाइप लगा हुआ था। एंड दिस इज़ अनदर लॉन कुर्ता जिसके ऊपर काम हुआ है डिफरेंट एम्बेलिशमेंट्स का। एंड दिस इज़ अ प्लेन कुर्ता विद द लेस ऑन इट्स स्लीव्स एंड नेकलाइन, और ये भी काफ़ी क्यूट था। ये भी पीच कलर में, जैसे मैंने आपको अभी लास्ट से लास्ट दिखाया एक पीच कलर का, वो वैसा ही है ऑलमोस्ट, बट इट्स थोड़ा सा डिफरेंट। बस ये जो है थोड़ा सा इसके नीचे चिकन का काम है और बाकी वही एम्ब्रॉयडरी है उस तरह की, भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। आजकल पीच कलर बहुत ज़्यादा इन है। और अब मैं आई हूँ ज़रा ब्रेकआउट पे ज़रा चक्कर लगाने के लिए, और यहाँ पे भी अच्छे टॉप्स आए हुए थे। ये आप ब्लैक टॉप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगे आप स्ट्रेट पैंट्स के साथ पहने तो। और ये पीच वाला भी, इट वॉज़ लॉन्ग लेंथ बट इसके नीचे स्लिप पहननी पड़ेगी आपको। और ये एक और टॉप था जिसके ऊपर सेल्फ जो होता है कपड़े जो होता है जॉर्जेट उसके ऊपर बना हुआ था, और इसके स्लीव्स पे काम था, बट नो यूज़ फॉर मी क्योंकि ये छुप जाना था मेरे स्कार्फ के नीचे। खैर, इसके अलावा इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, ब्लैक एंड वाइट का आया हुआ था, और इनके पास भी सेल लगी हुई थी उस वक्त 30% ऑफ पे। इनके पास काफ़ी शूज़ आए हुए हैं बहुत ही लाइट कलर्स के, आई डोंट लाइक बहुत लाइट कलर के शूज़, बस ठीक थे। और ये बेबी पिंक कलर के शूज़ मुझे अच्छे लगे, ओपन सैंडल्स थी ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, और ये भी सेल में थी। आई गेस इनकी प्राइस थी अराउंड 1800 आई गेस, ये भी अच्छी लग रही थी। अब मैं आ गई हूँ हारून्स पे, और हारून्स पे एज यू नो हमेशा जब भी जो कोई ना कोई न्यू अराइवल्स आए होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास आई हुई थी हैंगिंग्स फॉर वॉल्स, या मतलब डोर के एंट्रेंस के लिए या किसी लाउंज में लगाने के लिए। और हारून्स पे आप लोग जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है ज्वेलरी की, टॉप्स जिसमें आप कह लें, रिंग्स कह लें, नेकलेसेस, हेयर एसेसरीज, दे हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ इट। सो इन केस अगर आपको कुछ गिफ्ट वगैरह भी करना है तो आप इसमें से भी देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सारे ब्रेसलेट्स लगे हुए हैं। इसके अलावा इनके पास आजकल स्टेशनरी की भी काफ़ी वैरायटी आई हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनके पास वैलेट्स और बैग्स, ये सब कुछ इनके पास अवेलेबल है। लाइट्स, लैंटर्न्स, जो केजेस, मतलब आपको अगर किसी को कुछ गिफ्ट करना है तो यू कैन ईजिली बाई एनी थिंग फ्राम हेयर। और ये इनके पास काफ़ी डेलीकेट इंटीग्रेट नेकलेसेस आए हुए थे, इनकी प्राइस रेंज थी अराउंड 580 और 600, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थे, और मैं आपको एक एक नहीं दिखा सकती थी, इसलिए आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग वीडियो फिट इस तरह करके कि आप देख सकें। बहुत ही क्यूट थे, डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट डिज़ाइन के, तो बड़ी मुश्किल हो जाए अगर इनमें से कोई पिक करना पड़े, क्योंकि मेरा तो दिल बस कर रहा था कि सभी ले लूँ। आजकल इस तरह के नेकलेसेस बहुत, मतलब हैंड ब्रेसलेट या चार्म्स बहुत ज़्यादा इन हैं। इसके अलावा ये जो आजकल चले हुए थे थोड़े से पहले, आई जस्ट फॉरगॉट व्हाट दे आर कॉल्ड, बट ये सॉर्ट ऑफ एक एसेसरी हैं जो कि आप नेक पे पहनते हैं। एंड अगेन, अगर आपको कुछ भी चाहिए एसेसरी इन ब्रेसलेट्स इन नेकलेसेस, दे हैव ह्यूज वैरायटी ऑफ इट, यू कैन जस्ट गो एंड पिक। और आप देख सकते हैं पर्ल वाला कितना क्यूट है, ऊपर उसके बर्ड बना हुआ था। आई कैन नॉट वेयर देम बिकॉज ये इसी का ये मसला है कि अगेन आई डू हिजाब, सो ये चीज़ें नज़र ही नहीं आती। इसके अलावा इनके पास काफ़ी, आप जो देख रहे हैं नीचे, सारे मिरर्स पड़े हुए थे टू कीप यू इन अ बैग। और ये इनके पास रिंग्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, जिसमें बहुत ही क्यूट रिंग्स थी, ऑलमोस्ट बहुत से डिज़ाइंस इनके पास अवेलेबल हैं, मतलब हैवी रिंग्स भी हैं, फॉर्मल रिंग्स भी हैं, कैजुअल रिंग्स, और आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक रिंग थी इनके पास। और अगेन, मेरा बस चले तो मैं सारी रिंग्स उठा लूँ, क्योंकि द वन थिंग आई वेयर आर रिंग्स। ये वाली बहुत ही क्यूट थी, बटरफ्लाई वाली। एंड अब हारून से निकल के हम वापस आ गए हैं KFC, और दिस इज़ द फ़ोन माई सिस्टर बॉट, A70। और इसकी डिसअपॉइंटेड मैं थी इसकी एसेसरीज़ देख के, क्योंकि इसकी एसेसरीज़ वही थी जो नॉर्मल आपके फ़ोन की होती हैं, वही वैसे ही हेडफोन्स एंड नथिंग स्पेशल। और प्राइजेस इतनी बढ़ गई हैं फ़ोन्स की जिनकी कोई हद नहीं है, एंड शी बॉट इट इन कोरल कलर। और अब हम KFC पे खाना खाएंगे, दिस इज़ हाउ इट्स स्क्रीन लुक लाइक। सैमसंग का डिस्प्ले बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ कलर, एंड स्पीड की जहाँ तक बात है इट इज़ ऑल्सो गुड। एंड दिस इज़ द फैमिली बकेट वी बॉट, एंड वी इन्जॉयड इट हमेशा की तरह। एंड
मैंने एन पे ली आइसक्रीम फ्रॉम KFC। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।